बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई इसी के साथ आज अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो भाई आज हम जा रहे हैं आबिद भाई की भतीजी और आसिफ भाई की बेटी की आज सालगिरह है और उधर जाना है। अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं और हमने 9 या 9:30 बजे तक पहुँचना है। तो अभी आबिद भाई ने मुझे कॉल की थी, वो भी जा रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाएंगे तो उससे पहले इन्होंने करनी है शॉपिंग। इधर इन्होंने कहा था कि शूज़ लेने हैं, शूज़ हमने ले लिए हैं। इन्होंने लेनी है पैंट शर्ट का कब से शौक पड़ गया भाई? सर पहले भी पहनते थे। अच्छा, पहले भी पहनते थे पैंट शर्ट। तो अभी ये देख रहे हैं वो डिज़ाइन है, लेकिन अभी पसंद नहीं आ रहे हैं। साथ में शर्ट्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शॉप है और अच्छे अच्छे इधर वेरिएंट पड़े हैं और ज़बरदस्त क्वालिटी पड़ी है। तो आबिद भाई, अभी तक आपको कोई पसंद आया? देख रहे हैं। तो भाई चलकर मरियम के लिए गिफ्ट भी ले रहे हैं। और याद है या आपने इस तरफ ले नहीं, लिया? नहीं याद है, बिल्कुल याद है। कभी ये होगा ना, बस अपने लिए चीज़ें ली और चलो जी ठीक है। नहीं, नहीं, लेकिन मरियम के लिए हमने गिफ्ट लेकर जाना है और जाकर मरियम की सालगिरह सेलिब्रेट करनी है। फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट सेलिब्रेशन है। फाइनली पसंद आ गई है आबिद भाई ने ये वाली पेंट जो है सेलेक्ट की है, और साथ में पहले ये वाली शर्ट सेलेक्ट, लेकिन इसमें ये डिफेक्ट निकल आया और साथ में एक कट है। लेकिन आबिद भाई को ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद हमने जो पसंद की है वो दूसरे वाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमने पसंद की है ये साथ में। अच्छा, जैसा भी है भाई, आबिद भाई ने पहननी है उन्हें पता, लेकिन मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैं पैंट शर्ट पहनता भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं आ रही। लेकिन आबिद भाई को पसंद आ रही है, ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और अभी हमने ले लिया है और चलते हैं, पेमेंट भी करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि मरियम के लिए हमने अभी क्या लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया है और आबिद भाई ने 2000 रुपये दिए हैं भाई को, और अब हम आगे की तरफ जाने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं गिफ्ट शॉप, और इधर से अभी गिफ्ट हम चेक कर रहे हैं कौन सा गिफ्ट लेना है। अभी तक जो है आबिद भाई ने ये गिफ्ट जो है सेलेक्ट किया है मरियम के लिए, और साथ में मैं देख रहा हूँ कौन सा गिफ्ट लेना है, ये ठीक रहेगा। अभी आइडिया नहीं है, 1 साल की बच्ची है, देना क्या है, कभी गिफ्ट दिए नहीं बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह और फरीसा जब बड़े होंगे, इंशाल्लाह उनकी पहली जब बर्थडे होगी तो इंशाल्लाह उनके लिए भी गिफ्ट देंगे। तो अभी से एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये डन कर दिया आबिद भाई, तो ये वाला मैंने डन कर दिया, और वो दोनों की तरफ से जो मर्जी समझ लें, लेकिन इनकी पैकिंग करवाएंगे भाई, इनकी पैकिंग कर, तो पैक करवा के चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और कॉल आ रही हैं आसिफ भाई की। साथ में सुल्तान भी मिल गया। सुल्तान इधर क्या कर रहे हो आप? वैसे क्या कर रहे हो? चाचू के पास आया। अच्छा, चाचू के पास आया था, मैंने समझा आप भी गिफ्ट की शॉप पर हैं। मैसेज आ गया। तो अभी हमने डन ही किया था कि अभी आसिफ भाई की कॉल आ गई है साथ ही, और क्योंकि मैं सुबह वो आए थे मेरे पास हॉस्पिटल और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, और तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आबिद भाई के पास अभी भी मैसेज आया है कि प्रोग्राम कैंसिल, उसकी वजह कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी। इसी तरह आबिद भाई, तो सबसे पहले भाई तबीयत है, अगर सेहत ठीक होगी तो बंदा कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला आसिफ भाई को सेहत दे। हमने अभी ऑर्डर भी कर दिया था और पैक भी करवा रहे थे साथ ही, लेकिन ऑन द स्पॉट एक मैसेज आया और उसके बाद सारा प्रोग्राम कैंसिल। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसिफ भाई को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और तो अब आबिद भाई जो है अभी ट्रीट खिलाएंगे हमें, उधर नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, तो आती लेकिन पिज्ज़ा तो हम लाजमी खा कर जाएंगे। ऐसे क्या आबिद भाई? तो आप यार बाबलपुर आप जा रहे हो इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद आप बड़े बड़े होटल में जाते हैं,
लेकिन बात यह है गरीब लोगों के साथ कोई आप बाइक लाएंगे। मजे की बात बताना चाहूँ, मैं दो दफा अपना जो पर्स है भूल कर आ चुका हूँ फार्मेसी पर, तो आज भी यही हुआ। मैंने सेब लिए, सेब मैंने तुलवा लिया, अभी शॉपर में डालने ही लगे, पेमेंट निकालने लगा तो मेरे जेब में बट्टा ही नहीं था। तो मेरे साथ तो भाई ये सीन हो चुका है और दो दफ़ा अक्सर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि मेरे पास नहीं है। चलो आबिद भाई आज फिर पिज़्ज़ा खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार था, सुप्रीम पिज़्ज़ा हम खाते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा जो है कैंसिल हो गया है, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी मुश्किल आ चुकी है। आबिद भाई की जो बाइक है इसका पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, और क्योंकि मार मार इनका पसीना देखे मुँह पर आप, और मैं भाई को कह रहा हूँ कि धक्का लगा है, कहते नहीं है मेरा बिलीव है। और आपको भी एहसास होना चाहिए कि बाइक ये कह रही है कि आपको भी एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल भी चेक करना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, तो भाई आपको भी पेट्रोल चेक करना चाहिए था। हमारा पिज़्ज़ा वाला कैंसिल हो गया है, तो हमने सोचा कि जाकर, क्योंकि पिज़्ज़ा खा कर ना फास्ट फूड खा कर तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है। पिछले दो दिन से मेरा मैदे का मसला रहा है, जिसकी वजह से मैंने फास्ट फूड अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हम जाएंगे कोयलों पे पका हुआ मज़ेदार चिकन पीस खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक ये बाइक स्टार्ट होगी तो जब जाएंगे 15 से 20 मिनट लगातार चिकन लगाने के बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हुई, और उसके बाद अब पैदल जाया जा रहा है, और घर का जो रास्ता है करीब है। मुझे लगता है हमें घर वापसी मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जहाँ हमने जाना था चिकन पीस की दुकान वो थोड़ी दूर है, तो अभी मुझे पैदल चलना पड़ रहा है और मैं थका हुआ हूँ सुबह से काम करके। और ये देखें आप, देखें भाई ये आपके लिए भी सबक है कि आपने अभी पेट्रोल इसके अंदर जो है चेक नहीं करते, तो ये आज का सबक आपको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा। तो भाई थोड़ा सा आगे आए हैं, पेट्रोल तो कहीं मिल नहीं रहा, तो रास्ते में हमें मीटरे मिले हैं, हमने मीटरे के आए हैं क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। काफ़ी देर से बाइक को खींच रहे हैं, मैं धक्का लगा रहा हूँ, कभी आबिद भाई धक्का लगा रहे हैं, और अभी हम पेट्रोल पंप को ढूंढ रहे हैं क्योंकि बाद में भी पेट्रोल ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसलिए पहले पेट्रोल पंप तक जाते हैं। और पेट्रोल पंप पे जाने के बाद भूख भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है कि घर वालों को भी कह चुके हैं, बिजी सी होएगी ना, घर वालों को भी कह चुके हैं भाई आज हमने बर्थडे मनानी है और बर्थडे पर जाके दावत खानी है, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। फाइनली हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है बगैर पेट्रोल डलवाए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन पेट्रोल पंप से पहुंचने से पहले हमने मिठे का है वहीं बाइक स्टार्ट हो गई और बगैर पेट्रोल डलवाए। तो आबिद भाई और मैं आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाते हैं फिर जाके खाते हैं कुछ खाना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच चुके हैं भाई जहां हमने खाना खाने आना था, और खाना खाने आ गए हैं क्योंकि आसिफ भाई की जो बर्थडे थी बेटी की उधर तो हम जा नहीं सके, भूख शदीद लग रही थी, लेकिन अब जो भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बाइक स्टार्ट करते करते काफ़ी टाइम लग गया लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। आखिरकार रास्ते में एक मिठे के रेडी आई, उधर हमने मिठे खाए, और उसके बाद जैसे ही आए तो एनर्जी मेरे ख्याल से आ गई थी आज, और फिर आबिद भाई का जो दिमाग है वो भी काम किया और इन्होंने चेक किया तो पाइप को निकाल दिया जहाँ से पेट्रोल आता है, लेकिन उधर पेट्रोल ही नहीं आ रहा था। फिर उधर से चेक किया पेट्रोल आया है, और चीख मारी 3-4 उसके बाद बाइक स्टार्ट हुई और कुछ जान में जाने, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर था पेट्रोल पम्प और पैदल चलना बहुत ही मुश्किल था। हालत देखे आबिद भाई की, अभी फ्रेश हो गए हैं, अभी टाइम लगेगा भाई कहते हैं अभी टाइम लगेगा, और बहुत किक्स लगाई है इन्होंने। तो अभी आ चुके हैं और इधर मज़ेदार कोयलों पे बने हुए चिकन पीस खाएंगे और मज़े से, और उनके बाद घर जाएंगे। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की तो उसको हम इधर ही सेलिब्रेट करेंगे, इसी तरह आप भी।
अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से चिकन पीस आ चुके हैं और ये कोयलों पर बने हुए हैं और ये इनकी ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त है, कलर इनका बता रहा है कितने ही मज़ेदार होंगे ये। साथ में सलाद, दही और ताज़ा सी रोटियां और मज़ेदार सा चिकन पीस खाएंगे। और हमने मिस कर दिए थे बर्थडे, लेकिन चिकन पीस के साथ इनका रिप्लेस करेंगे और उसके बाद घर वापस जाएंगे। भाई मैंने इस जगह का नाम सुना था लेकिन आज यहाँ आया हूँ, बड़े ही मज़े का मैंने पहली बार लिया और बहुत ही मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और 10 बज चुके हैं और घर की तरफ चलना है, थका हुआ भी बहुत ज़्यादा हूँ। और आसिफ भाई की जो बर्थडे है बेटी की, वो नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर। तो सारी दुआएं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो भाई इसी के साथ ही जो मुझे ज़्यादा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।